नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरे YouTube चैनल टेक्निकल राहुल में आपका स्वागत है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये जॉन डियर 5038D, ये 38 HP है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इस गाड़ी का डीजल पंप खुले हुए है और इस गाड़ी का डीजल पंप खुलने का ये वजह है कि ये चलते चलते मौसम छोड़ देता था, कभी कभी बंद भी हो जाता था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने डीजल पम्प सर्विस करवा के ले आए हैं। अब हम दोस्तों इस डीजल पंप को फिट करेंगे और ये किस तरह से फिट होता है मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो चाबी है ओके इस खांचे में लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और किसान भाइयों में शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एडिटर लगा लेंगे, ये पंप का एडिटर जो 14 नंबर नट इसमें टाइट होता है। तो इसको हमने लगा लिया है दोस्तों यहाँ पे इसका डिटेक्टर, और अब हम इसका पंप फिट करेंगे डीजल पंप। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसके खांचे और ये जो चाबी है एक राइट सामने है। इसके बाद हम इसको अंदर घुसा लेंगे और 14 नंबर नट जो है उसे टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने चारों नट को टाइट कर लिया है 14 नंबर का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निशान है, ये बॉडी का निशान और ये पंप का निशान, ये दोनों निशान एक्यूरेट सामने सामने होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। अगर ये आमने सामने है तो सही है, ये जो निशान है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट सामने होना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ लगा लेंगे 22 नंबर नट, सामने वाला जो पंप को पकड़ के रखता है इसे हम लगा लेंगे और अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने डीजल पंप को कम्प्लीटली फिट कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने टैपिट कवर खोल चुके हैं क्योंकि हमें टैपिट सेट करना है। दोस्तों, जब हम डीजल पंप फिट करते हैं टैपिट चेक करना ज़रूरी समझते हैं, इसलिए हमने टैपिट सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।